Yeah, good morning everyone. So in today's class, I'm going to talk about certain questions based on straight lines. So miscellaneous kind of questions are taken. So check this out. How will you solve this question? Few are direct or kuch mein alag sochna padega. Ye 10th class mein kiya hua hai. थ्री वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर ये हैं. फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स. सो दैट्स अ रफ स्केच. अ पैरेललोग्राम इज गिवन 2, -1, 3, 4 एंड -2, 3. यू नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स विच इज से A, B. Anyone? How will you find this? Am I going to use the concept of distance formula? AB is equal to CD and BC is equal to AD. Or I am going to make use of slopes. That parallel lines हैं तो slopes equal होंगे. Will that help? As already mentioned, it's your class 10th based question. So even Kinshuk, you try it out. अगर आप parallels से slopes का करते हैं तो that is calculative here. The easier way lies in class 10th only. और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी जो बात करूंगा वो 8th की है. ये डायगनल ओ के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड रिकॉल क्या प्रॉपर्टी हो जाती है. ये डायगनल का ये और ये इक्वल होंगे. सिमिलरली द अदर टू डायगनल्स आर इक्वल और इन सिंपल वर्ड दे हैव द सेम मिड पॉइंट. तो बेसिक आइडिया जो कहना चाहता हूं वो क्या है. मिड पॉइंट ऑफ एसी शुड कोइंसाइड विद द मिड पॉइंट ऑफ बीडी. इससे इजी कुछ पॉसिबल नहीं है. चेक करो मिड पॉइंट ऑफ एसी क्या हो गया. x2 + x1/2 y1 + y2/2 और बीडी का मिड पॉइंट a + 3/2, b + 4/2. इक्वेट बोथ द ऑर्डर्ड पेयर्स, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. सो दिस स्मार्ट अप्रोच इज रिक्वायर्ड. लंबे मेथड में लगे रह जाओगे और अगर एमसीक्यू में आया तो ऑफकोर्स आपके सामने ही है. Please be sure the idea is clear. Again, simple question. यहां मैंने लिया है find k if the area of a triangle with the following vertices is 24 square units. एरिया का फार्मूला क्या हो जाता है. हाफ मॉड x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2. सो ऑब्वियसली ये मेरे पास ऑलरेडी आ गए. ये x1 y1 x2 y2 and x3 y3. Substituting these all values, half of 1 × y2 - y3, फिर x2 आ गया एंड y3 - y1. ये सिर्फ देख रहा हूं. विजुअली आप जब चीजें करेंगे बहुत इजीली समझ आ जाएगी. और y1 - y2 एंड दिस एरिया इज गिवन एज 24
ये 2 RHS में आ जाएगा, और ये क्या दे रहा है, 2K+5 ये आ गया, -4 माइनस माइनस +16, देन +K+2K² एंड दिस इज इक्वल टू 48, और 2K² +3K+21, और इसका मॉड आया है 48। द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेम्बर, जब मॉड सिंप्लीफाई होगा सो इट विल गिव मी +-48। तो +48 और -48 के साथ वी विल हैव टू डिफरेंट केसेस एंड हेंस टू डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन के। सॉल्व दैट, यू विल हैव योर रिक्वायर्ड आंसर। इसीलिए लिख भी दिया था वैल्यूज, क्योंकि एक से ज्यादा आंसर बिल्कुल आ रहा होगा। I'm sure the basic idea is clear to everyone. Find the equation of perpendicular line, मतलब find the equation of a line perpendicular to, ऐसा आएगा, equation of the line which is perpendicular to line segment joining this and this। तो दो points दिए हुए हैं, 4,3 and -1,1। अब आपको वो एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका एक तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है एंड इट्स कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट -3 ऑन वाई एक्सिस। सो थिंक लॉजिकली, अगर किसी भी लाइन ने, ये हमने कहा कि वाई एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट है -3, वाई एक्सिस के ऊपर -3 इंटरसेप्ट होने का मतलब लाइन इज एक्चुअली पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,-3। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके बाद तो अब ये सिंपल है, आपके पास ये चलो पी कह दिया, यहां कहीं भी रैंडमली क्यू लिख देता हूं, ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1, सो ए बी का स्लोप ऑफ ए बी इंटू, अब ये कंसेप्ट याद आ जाएगा, ऑलरेडी हम कई बार यूज कर चुके हैं। सो ए बी का स्लोप टू पॉइंट फॉर्म से y2 - y1 / x2 - x1 इंटू स्लोप ऑफ पी क्यू को चलो मैं m कह देता हूं, सो -2 / -5, 2/5 इंटू m इज -1 और m आ गया -5/2। तो इस लाइन का स्लोप पता है और पासिंग दी पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन y-y1 इज m इंटू x-x1। सिंप्लीफाई योर आंसर।
बहुत ध्यान से सोचिए, और मैं फिर बता रहा हूँ, ये इंटरसेप्ट जो है -3 फ्रॉम वाई एक्सिस, उस वर्ड को, स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। Check this out. Find the equation of line that cuts off equal intercepts on the coordinate axis and passing through the point 2, 3. So, which concept to be used here? कैसे स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को? एनीवन? जैसे ही कह दिया कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स, तो पहली बात इंटरसेप्ट की बात हो रही है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म याद करिए इन जर्नल, ये ए कॉमा बी, ये 0, b, और इक्वेशन हो जाती है इसके इक्वल, दिस इज दी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। बट अब आपके पास स्पेसिफिकली एक इंपॉर्टेंट टर्म लिखा हुआ है, इक्वल इंटरसेप्ट्स, मतलब ए एंड बी आर इक्वल, तो आपके पास इक्वेशन क्या हो गई, रिप्लेस बी बाय ए ओनली, टेक एलसीएम और एक्स प्लस वाई ए के इक्वल आ गया। अब अननोन बच गया ए, सेकेंड कंडीशन पासिंग थ्रू 2, 3, एक लाइन के ऊपर 2, 3 की बात करी गई है, तो इट लाइज ऑन इट, एक्स वाई सेटिस्फाई, ए की वैल्यू 5, यहां रिप्लेस योर रिक्वायर्ड आंसर। सेम क्वेश्चन वैसे मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। Everyone, please mark your attendance in the chat box. Check this out. Reduce this line to the normal form and hence find the length of perpendicular from origin. तो आपको जब लेकर आना है इसे इन दी नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी, और पी इज एक्चुअली लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, तो हाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट, आरएचएस में -2 ले आए, बट आरएचएस शुड बी पॉजिटिव,
रिपीटेडली ये मैं बता चुका हूँ, तो आप माइनस से थ्रू आउट माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर डिवाइडिंग बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज रूट 10, तो माइनस 3/√10 इंटू एक्स प्लस, इस इक्वेशन को बस √10 से डिवाइड कर रहा हूं एंड दिस विल बी 2/√10। आपसे एंगल तो पूछा ही नहीं था, सिर्फ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है। यू आर रिक्वायर्ड आंसर। चेक आउट दिस क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3। ये लाइन है पासिंग थ्रू 2, 3 एंड मेकिंग 45 डिग्रीज विद दिस लाइन। कोई भी लाइन जा रही है whose equation is known to me, और इसके साथ एंगल बनाया है 45 डिग्रीज। सो इफ दिस इज से ए, दिस इज से बी, और ये मान लीजिए आ गया गिवन लाइन है सी डी, तो वी नीड दी फाइंड ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी। हाउ आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? बेसिकली वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी। ए बी के ऊपर एक पॉइंट तो मुझे गिवन है, तो जस्ट दैट अगर मुझे इसका स्लोप मिल जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे। तो लेट मी टेक और एज्यूम इट्स स्लोप एज एम। इस लाइन का स्लोप तो मुझे पहले से ही पता है, माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशियंट ऑफ वाई। एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज 45 डिग्रीज। सो टैन थीटा इज गिवन बाय एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू और इसका मॉड। टैन 45 डिग्री वन एम प्लस 3 अपॉन वन माइनस 3 m और इसका मॉड आ रहा है। अब ये सिंपल है, जब मॉड सिंप्लीफाई होगा इट विल गिव मी प्लस माइनस वन। देर विल बी टू डिफरेंट केसेस नाउ, केस वन विथ पॉजिटिव, केस टू विथ नेगेटिव साइन। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई। एम आ गया माइनस 1/2 सो बेसिकली ए बी का स्लोप मुझे मिल गया, उसके ऊपर पॉइंट मुझे पता है 2, 3। तो इक्वेशन इस केस में हो गई वाई माइनस वाई वन इज एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सिंप्लीफाई योर आंसर।
एक आंसर आएगा अभी, क्योंकि केस टू में यू विल टेक दिस एज माइनस वन एंड सॉल्व इट इन अ यूजुअल मैनर। Yes, any doubt to anyone? Find the distance between these two lines. So, what's so special? If I note carefully, इस लाइन का स्लोप -3/4 और इस लाइन का स्लोप -6/8, विच इज अगेन -3/4। सो द गिवन लाइन्स आर एक्चुअली पैरेलल लाइन्स। तो आपसे डिस्टेंस एक्चुअली पूछा था बिटवीन पैरेलल लाइन्स, पर हो सकता है वो क्वेश्चन में ना लिखें कि पैरेलल हैं, तो आपको लॉजिक लगाना था। सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज, अगर ये इक्वेशन में तो यहाँ 3 और 4 हैं कोफिशियंट्स, तो इसे भी 3 और 4 आपको बनाना पड़ेगा, मतलब 2 से डिवाइड कर दो। तो जब आप इसे डिवाइड कर दोगे 2 से बोथ द साइड्स, 3x+4y -15/2 एंड दैट इज 0। तो ये लाइन आ गई 3x+4y -15/2 इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस का फॉर्मूला मॉड C1 - C2 अपॉन रूट ऑफ a² + b² ये फॉर्मूलास आपको ही याद करने हैं। बस अब आप जब यहाँ C1 रखेंगे वो है -9 एंड देन -C2 कर देगा माइनस माइनस प्लस एंड देन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a² + b² सिंप्लीफाई यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। डिस्टेंस है तो यूनिट में आ जाएगा। नाउ दिस इज अ लॉजिकल क्वेश्चन। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, ये कोई भी लाइन जा रही है, x+y = 4 दैट लाई एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन। कह रहे हैं वो पॉइंट बताओ, इनफैक्ट कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, जिसका इस लाइन से इसके पैरेलल नहीं है, ये आप स्लोप्स देख लो इक्वल नहीं है। तो बस बेसिक आइडिया क्या कहा गया है कि उस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो वो डिस्टेंस कितना है, यूनिट डिस्टेंस, यूनिट का मतलब 1 होता है। तो आपको डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट
फ्रॉम अ लाइन वन यूनिट दिया गया है, बट अभी ए के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे पता ही नहीं है. बट थिंक लॉजिकली, गिवन लाइन जो है x प्लस वाई इक्वल टू फोर, इफ आई टेक x इज इक्वल टू ए, क्लियरली y विल बी 4 माइनस ए. दैट इज x अगर a है, y हो गया 4 माइनस ए, इट ऑलवेज लाइज ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन. और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपने इस पॉइंट के जनरल कोऑर्डिनेट सोच लिए, ए कॉमा 4 माइनस ए. एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन निकाल दिया. अब ए बी गिवन है 1 के इक्वल. ए बी का मतलब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो वो तो डायरेक्ट फार्मूला था. एक्स की जगह ए लिख दिया, y की जगह 4 माइनस ए. ये आपके पॉइंट x1 y1 हो गए ना, तो x1 एंड y1. और ये रिमेंबर माइनस 10 इक्वल टू 0 की फॉर्म में लाना होगा, अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये गिवन है 1 के. बस इसके बाद तो अभी सिंपल क्वेश्चन बन चुका है. मॉड में 4a प्लस 12 माइनस 3a माइनस 10, और ये RHS में आकर 5 हो जाएगा. एंड a प्लस 2 का मॉड इज 5, यूजुअल मेथड प्लस माइनस 5, गिविंग राइज टू टू डिफरेंट केसेस. और ए के अंदर पुट कर देंगे, आई विल गेट टू डिफरेंट पॉसिबल आंसर्स. Check this out. The area of a triangle is 5 square units. Area दिया हुआ है 5. Two vertices हैं आपको already given, और third vertex lies on this line. Find coordinates of third vertex. तो कैसा भी ये स्केच बना रहा हूं, ये रहा वर्टेक्स ए बी एंड सी इज अननोन, और साथ में ये कहां है लाई कर रहा, ये वाली लाइन थर्ड वर्टेक्स जो जा रही थी, इट लाइज ऑन द लाइन y equal to x plus 3. Anyone? कुछ तो बता दो कैसे स्टार्ट करें. लास्ट क्वेश्चन में हिंट दे चुका हूं. C के कोऑर्डिनेट्स हम क्या मान सकते हैं? x comma y तो नहीं लूंगा ना. A comma when x is a, y will be
ए प्लस थ्री, तो एनी जनरल पॉइंट इज ए कॉमा ए प्लस थ्री, सी इज द पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन, तो ए कॉमा ए प्लस थ्री मान लिया इसे, तो ये सी के कोऑर्डिनेट्स ये मानने हैं। वंस कोऑर्डिनेट्स आर विद मी, एरिया आपको 5 दिया था, तो एरिया क्या होता है, हाफ एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू एंड दिस इज गिवन एज 5। अप्लाई द यूजुअल मेथड, पिछले दो क्वेश्चन से लगा रहे हैं, मॉड में आएगा, प्लस माइनस के साथ खोलेगा, टू डिफरेंट पॉसिबल आंसर्स, और ये तभी आप बढ़ पाएंगे और आगे जब मैं इस रफ स्केच को रिलेट कर पाऊंगा और सी के कोऑर्डिनेट्स में सोच लूंगा एज जनरल पॉइंट ए कामा ए प्लस थ्री। चेक आउट दिस क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड अ लाइन इज 6 स्क्वायर यूनिट्स एंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। टू मेक इट लिटिल इजियर, लेट मी फोकस ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, जबकि ये ट्राइंगल कहीं भी बन सकता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी। क्या कहा है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस एंड अ लाइन, तो मैं वो लाइन मान लेता हूं ये कोई भी लाइन जा रही है, और इसने अब जो ट्राइंगल बनाया उसका एरिया हमें गिवन है 6 स्क्वायर यूनिट्स, और आपको इसकी लेंथ भी गिवन है क्योंकि यही तो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो इफ दिस इज से ए, दिस इज से बी, आपको क्या क्या गिवन है, ये तो ऑरिजन हो गया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी इज 6, एंड दूसरी चीज क्या गिवन है, ए बी हाइपोटेन्यूस इज 5। लास्ट 2 मिनट्स, जस्ट सिंपल लॉजिक लगाते हैं, लेट मी टेक दिस लेंथ एज ए यूनिट, दिस लेंथ एज बी यूनिट, ये 5 था, तो एरिया से हाफ बेस इनटू हाइट, और यहां ए बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये ए बी डिस्टेंस अगर आप ध्यान से सोचें पाइथागोरस थ्योरम से, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो 5 के इक्वल है, ए बी 6 आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 आ गया, टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, बी की वैल्यू एलिमिनेट कर दो, यहां पुट कर देना, सिंप्लीफाई, आप ऑब्जर्व करेंगे यहां 4 नहीं 8 आंसर आ रहे हैं, 8 आंसर्स विल बी कमिंग ओवर हेयर, सो ट्राई आउट इन योर होमवर्क कि किस तरह से एकदम से मैं कह रहा हूं कि 8 आंसर्स आने वाले हैं इस क्वेश्चंस के, विद प्लस माइनस को जब काउंट करेंगे तो 8 पॉसिबल केसेस वुड बी देयर, सो ट्राई आउट दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क।
बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वर्टिसेस बस आपको ट्राइंगल की निकालनी होंगी। इमेज का कंसेप्ट ऑलरेडी हो चुका है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस लिया था। सो एवरीवन प्लीज मार्क योर अटेंडेंस एंड देन यू कैन लीव द क्लास। नेक्स्ट क्लास से विल बी स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स। प्रेजेंट सर।